जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कंप्यूटर की क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे कि बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, उनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे जो हमारा सीपीयू का काम है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, जोड़ घटा गुणा भाग वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे भी। सीपीयू इन चीज़ों पे कैसे कैलकुलेशन करता है, हम सभी नंबरों पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन यानी कि जोड़। जोड़ कैसे करेंगे, देखो अगर हम डेसिमल की बात करें, जैसे ये हमारा 10 है, ठीक है, ये हमारा 20 है। अगर डेसिमल की बात करें तो क्या होगा जब हम इनको जोड़ेंगे, डेसिमल की बात करें जब हम इनको जोड़ेंगे तो कैसे होगा, 0 0 0 और 2 और 1 3, ऐसे हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, ये हम 10 पीछे नहीं देखते हैं, ये यहीं पे लिखा है। ठीक है, वैसे हम सीधा क्या लिखते हैं, जैसे कि 15 प्लस 15, हम सीधा जोड़ देते हैं, 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 1 3, इस टाइप से। तो हम डेसिमल के बारे में, ये बेस के बारे में हम कोई चिंता यहाँ पे नहीं करते हैं, सीधा हम जोड़ घटा गुणा भाग कर देते हैं आसानी से। लेकिन जब नंबर सिस्टम की बात आएगी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 3, ये जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक ऑक्टल नंबर है, प्लस 1 6, ये एक दूसरा ऑक्टल नंबर है, ठीक है, इनको जोड़ें, या फिर 2 3, ये एक हमारा क्या है, डेसिमल, इसको जोड़ें किसके साथ, 1 6 डेसिमल के साथ। तो इन दोनों में बहुत अंतर रहेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या रहेगा, बहुत अंतर रहेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 और 3 9, 2 और 1 3, ठीक है, ये आएगा आपका। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 6 और 3 9, 9 हो गया, पर ये क्या है, बेस यहाँ पे 8 है, ऑक्टल है, तो 8 से ज्यादा तो इसमें हो ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे, 1, ये लिखेंगे हम यहाँ पे। और जब भी हम ये माइनस परफॉर्म करेंगे हम क्या करेंगे, 1 इधर जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 और 1 4, देखिए यहाँ पे क्या आया, 41, और यहाँ पे क्या आया, 39, है ना। देखो लिखा हमने यहाँ पे भी 23 था, यहाँ पे भी 16 था, यहाँ भी 23 था, यहाँ भी 16 था। जैसे ही इनके बेस बदले, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, तो देखिए इनका जो परिणाम है, जो जोड़ है, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम और टाइप देख लेते हैं, जैसे हो सकता है आपको बोल दे कि 1 A 2, ठीक है, 2 1 3, अब कह दें कि भाई ये दो आपके जो है हेक्साडेसिमल नंबर है, अब आपको क्या करना है, इनका जोड़ करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका जोड़ करना है, तो लो जी कर देते हैं जोड़। देखिए 3 और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। ए ए को हम किसको लिखते हैं, ए 10 की जगह पे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये क्या आपका 10 ही है, तो 10 और 1 क्या होगा, 11, और 11 को हम क्या लिखते हैं, बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। तो अब इन दो हेक्साडेसिमल को जोड़ा तो ये आ गया हमारा 3B5। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, AB 1 3, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों हेक्साडेसिमल नंबरों को जोड़ना है। देखिए वही मेथड है, सेम मेथड है अभी किया हमने, अब फिर से वही चीज करेंगे, तो आप ध्यान से देखो इस चीज को, आप आराम से इसको पकड़ जाओगे कि ये है क्या चीज। देखिए यहाँ पे क्या है, बी, बी हम किसको लिखते हैं, 11 को, और ए किसको लिखते हैं, 10 को। ठीक है, अभी तक हम यहाँ पे ये मान लेते हैं इसको। अब 11 और 3 11 और 3 क्या हो गया आपका, 14। ठीक है, अब 11 और 3 14, ये क्या होंगे आपके, देखो 10 11 12 13 14, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लिखते हैं इनको, तो
तो अब हमारा क्या हुआ, 11 और 3 14, तो हमारा क्या है यहाँ पे ई, ठीक है। ई क्यों, क्योंकि 11 और 3 हो गया हमारा 14, और 14 को हम क्या लिखते हैं ई। यहाँ पे देखो 10 और 1 11, 11 को हम क्या लिखते हैं डी। तो ये हो गया हमारा दो हेक्साडेसिमल का जोड़। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ए ए और 9 9, ये ले लेते हैं। अब की बार देखिए थोड़ा सा अंतर आएगा क्या, कि जैसे अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 ये है आपका, ठीक है, और 10 ये है, तो 10 और 9 कितना हो गया 19। अब की बार देखिए क्या हुआ कि आपका बेस से ऊपर चला गया, तो जब भी आपके बेस के बराबर चला जाए या उससे ऊपर चला जाए तो आप क्या करोगे, जो बेस है उसी को माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3, और जब भी हम माइनस परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल पहले एग्जांपल में मैंने ये बोला था कि जब भी माइनस करेंगे तो उसके नाम का एक हम इधर जोड़ देंगे भाई, ठीक है। तो 10 और 1 11 हो गया, 11 और 9 अब देखो कितना हो गया 20 20, ये भी आपके बेस से ऊपर चला गया, तो अब हम इसमें फिर से 16 माइनस कर देंगे। 16 ही क्यों माइनस किया, क्योंकि बेस क्या है 16 है, 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 4, और जब भी हम माइनस करेंगे तो एक इधर जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 1 4 3, तो इसका जो जोड़ आया वो हमारा क्या आया 1 4 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 7 7, ठीक है, 3 7 6, ये ले लेते हैं अभी, और ये हमारे कैसे हैं, दोनों ऑक्टल नंबर है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो करते हैं वैसे ही। देखो 7 और 6 कितना हो गया 13, अब ये बेस से ऊपर जा चुका है, तो बेस के बराबर हो या उससे ऊपर चला जाए तो हम क्या कर देंगे, अब बेस इसमें से माइनस कर देंगे, तो 13 में से 8 गए 5, तो यहाँ पे आ गया 5। और जब भी हम माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे एक जोड़ देंगे इधर, ठीक है, एक जोड़ देंगे, तो 7 और 1 8 और 7 15। अब देखो फिर से ऊपर चला गया, अब हम क्या करेंगे, फिर से 8 माइनस कर देंगे, तो 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और जब भी हम माइनस करेंगे एक इधर जोड़ देंगे, ठीक है, तो 2 और 1 3 और 3 6, तो ये आ गया हमारा दो ऑक्टल नंबरों का जोड़, ठीक है, दो ऑक्टल नंबरों का जोड़। हमने अभी कर लिया ऑक्टल का जोड़, इसके एग्जांपल कर लिए, हेक्साडेसिमल का कर लिया, अब एक हम बाइनरी का भी कर लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1 0, मान लेते हैं कि ये दो बाइनरी नंबर दिए हैं। अब आपसे पूछ लिया कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा, ठीक है, और जब तक नहीं मानना जब तक इनका बेस ना दिया हो, क्योंकि अगर बेस इनका हमने चेंज कर दिया तो नंबर ही बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बेस का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेस से ही हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़, तो 1 और 0 1, ठीक है, 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे 1 ही आएगा। अब देखो 1 और 1 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, पर मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी बेस के बराबर या बेस से ऊपर चला जाए हम माइनस करेंगे भाई, ठीक है, और किसको माइनस करेंगे, बेस को ही। 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और मैंने आपको ये भी कहा कि जब भी हम माइनस करेंगे तो उसके नाम का हम एक इधर जोड़ देंगे, ठीक है, तो 1 और 0 1 और 1, ठीक है, 1 में 0 ऐड किया तो यहाँ पे हो गया 1 और 1 और 1, फिर से क्या हो गया आपका 2, वही सेम चीज 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ पे हो गया 0, उसके नाम का एक इधर। फिर जैसे ही हम 1 और 1 करेंगे 2, तो 2 माइनस कर देंगे तो फिर से हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे 0 ये, और क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस किया है तो उसके नाम का एक हम इधर भी जोड़ेंगे, तो 1 और 1। अब यहाँ देखो 1 और 1 2 हो चुका अभी, तो 2 माइनस कर दो क्या आ गया 0, यानी इधर आ गया 1, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, और 1 ये इधर है, ठीक है, तो इन दो बाइनरी नंबरों का जोड़ क्या आएगा ये, इन दो बाइनरी नंबरों का जोड़ क्या आएगा ये, ठीक है, समझ गए होगे अब तो।
ठीक है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इजीली इनको समझ जाओगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिंपल सा, 110111 1 0 1। देखिए सिंपल, एक और एक दो, ठीक है, 2 माइनस 2 0, क्योंकि बेस से बेस के बराबर है, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 0, और उसके नाम का एक इधर जोड़ देंगे, तो एक और एक दो माइनस करेंगे फिर से 2, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 0, एक इधर जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक और एक 2 माइनस करेंगे उसके नाम का एक आ गया, तो एक और एक का जोड़ क्या रह गया आपका 0 रह गया ना वैसे, क्योंकि एक इधर आ गया, ठीक है, 0 और 0 में एक जोड़ेंगे तो 1, और ये इधर से 1, ठीक है, तो ये आ गया इसका परिणाम, ठीक है। तो ये था जोड़ के बारे में। अगर ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, माइनस करना हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन घटा करना हो, तो अब वो कैसे करेंगे? देखो हम उदाहरण के लिए कोई भी नंबर सिस्टम ले लो, देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तरीका वही रहेगा, मेथड जो है वो वही रहेगा, चाहे आप ऑक्टल ले लो, निबल ले लो, कैसे भी ले लो। अब यहाँ पे मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, ऑक्टल ही ले लेते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया 7 6 3, यहाँ पे ले लिया 1 2 7। अब ये 2 हमारे क्या है, ऑक्टल नंबर है, लेकिन अब की बार हमें इनको जोड़ना नहीं है, घटाना है। अब की बार हमें क्या करना है, घटाना है। देखिए क्या 3 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा, हमें एक यहाँ पे हासिल की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है, तो ये ऐसे तो नहीं जाएगा, एक हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी, सहायता तो हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम इस यहाँ से सहायता लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना, 6 की जगह बच जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे 9 और 3 है, 1 और 2 है, ये हम नॉर्मल मैथ की बात कर रहे हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे 2 की बजाय क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ये हम नॉर्मल हमारे जो मैथ में करते हैं हम। आपने क्या किया होगा, यहाँ पे यहाँ से एक हासिल ली, भाई 13 हो गया, 13 में से 4 गए, 9 लिख दिया आपने, पर आपने ध्यान दिया कि ये 13 ही क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने एक यहाँ से हासिल ली तो ये बच गया यहाँ पे 8, और यहाँ पे आगे कितने गए, 10, यानी यहाँ पे आगे कितने गए, 10। क्यों 10 गए यहाँ से, क्योंकि इसका बेस जो था वो 10 ही था यहाँ पे, ठीक है, वो हम लिखते नहीं है, लिखते नहीं है, पर वो बेस कितना गया आगे, 10 गया, और 10 और 3 ये हो गए थे 13, हम उसको डायरेक्ट ही 13 बोल देते हैं, पर वो ऐसा नहीं होता, वो 10 उसमें जुड़ा होता है फिर वो 13 होता है। और ये 10 ही क्यों जुड़ा, क्योंकि देखिए जब हम इनको जोड़ रहे थे और उस समय जब बेस या बेस से ऊपर जा रहे थे तो हम 10 ही तो माइनस कर रहे थे, और 10 ही माइनस कर रहे थे, या जो भी बेस था वही माइनस कर रहे थे, और उसी के नाम का तो एक जोड़ रहे थे आगे, यानी अगर 8 बेस था तो 8 के नाम का एक ही जोड़ रहे थे, 16 बेस था तो 16 के नाम का भी एक ही जोड़ रहे थे, तो जब वापस लेके आएंगे तो भाई बेस के हिसाब से ही आएंगे ना, है ना, कि जो बेस से आपको फिर क्या करना है, बेस ही देखना है भाई, ठीक है, उतने ही यहाँ वापसी आएंगे, तो यहाँ बेस 10 था तो यहाँ पे 10 आ गए। अब यहाँ पे कितने आएंगे, बेस 8 है तो यहाँ से तो एक ही कम होगा, और उस एक के नाम के यहाँ पे प्लस कितने हो जाएंगे, 8, तो देखो 8 और 3 11, और 11 में से 7 गए 4, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब ये बच गया आपका 5, 5 में से 2 तो सीधा ही चला जाएगा 3, 7 में से 1 6, तो ये बच गया आपका ऑक्टल, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये है आपका A 2 1 9, ठीक है, ये 2 हमारे हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल नंबर है, और माइनस करना है भाई, A 2 में से 19 को माइनस करना है, दोनों कैसे हैं, हेक्साडेसिमल। अब देखो 2 में से तो 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हमें एक हासिल लेनी पड़ेगी, तो यहाँ A कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा, 9, यहाँ से तो एक ही कम होएगा, पर यहाँ पे कितना जुड़ेगा, अब 2 तो ये पहले से ही था, अब यहाँ से कितने और आ गए, 16, क्योंकि बेस कितना है, 16, तो 16 और 2 कितने हो गए यहाँ पे, 18, और 18 में से 9 गए 9, 9 में से 1 गया 8, ऐसे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जोड़ और ये घटा हम कैसे करेंगे, ठीक है, जोड़ ये घटा हम कैसे करेंगे, कोई भी बेस आपको
दिया हो, ऐसे ही बाइनरी में है। अगर आप बाइनरी भी करोगे तो सेम ही चीज है, ठीक है। जैसे ये है 0001, ये कर लेते हैं हम, ठीक है। आसान है, आपको समझ आने के लिए जरूरी है, ठीक है, आसान ही लेना एग्जांपल। अब देखिए क्या है कि जीरो में से तो एक जा नहीं सकता, जीरो में से तो एक जा नहीं सकता, हमें तो यहां से लेना ही पड़ेगा। यहां से लेंगे हम कितने, एक, तो यहां पे बच जाएगा जीरो। लेकिन यहां कितना हो जाएगा अब, क्योंकि दो है यहाँ पे बेस, और दो के नाम का ही तो इधर हमने एक लिखा होगा जब जोड़ा होगा, तो जब यहां से हम हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितने ऐड हो जाएंगे, दो। तो यहाँ बच गए दो, और दो में से एक गया एक। हमें लगता है कि जीरो में से एक गया एक, कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसा एग्जाम्पल भी जीरो में से एक जा रहा है, तो एक ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां से जैसे ही हमने हासिल ली तो यहाँ पे बन गए दो, और दो में से एक गया एक, इसलिए एक है। अब जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, और एक में से जीरो गया, बच गया एक, ठीक है। तो ये ऐसे माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे फिर कितना ही लंबा बाइनरी नंबर दे रखा आप आसानी से उसको कर पाओगे, नहीं तो अगर आप सीधा याद करोगे ना एक प्लस एक 1 0, ठीक है, या आप जीरो माइनस एक को हम एक लिखेंगे, अगर आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा है, तो आपको उससे बचना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको लंबा तो इसमें जाना नहीं है, टाइम तो इसमें लगाना नहीं है, आपको तो करना है ये कम से कम भी, ये मान लो कि 20 से 30 सेकंड में इसको करना है, इन क्वेश्चंस को करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना ले सकते हैं 60 सेकंड। अब इससे ज़्यादा हम समय बर्बाद इस पर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, एक ही तरीका अपनाना है, हमें करना है सीधा डेसिमल में कन्वर्ट, फिर जो हमारा नॉर्मल मैथ का काम है वो करेंगे, और उससे हमारा क्या हो जाएगा सारा, चाहे वो जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो, भाग हो, कैसे करेंगे देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ घटा गुणा भाग सारे करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट कैसे, जैसे अब आप, आपको मान लो 1 7 2, ठीक है, और 1 6 3, ये दो आपको ऑक्टल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, दो ही आपको क्या दिए हुए हैं, ऑक्टल नंबर दिए हुए हैं। अब आपको करना है इनके बीच में जोड़, तो हम क्या करेंगे, इसी ऑक्टल नंबर को किस में लिख लेंगे, डेसिमल में, किस में लिख लेंगे, डेसिमल में। कैसे, देखो 1 7 2 हमारा मेथड था ना, डिजिट्स लिखो भाई अलग अलग, ठीक है, यहां पे लिखो 1, यहां पे लिखेंगे 8, यहां पे लिखेंगे 64, ठीक है, इनको कर देंगे गुणा। ये मैंने कैसे किया, ये आप पहले की जो वीडियो थी उसको देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया कि भाई ये कैसे 1 8 64 यहाँ पे आए, ठीक है। तो अब यहां से क्या आएगा, देखो 2 एकम 2, यहां से कितना आएगा 56, यहां से कितना आएगा 64, तो ये कितना हो गया 6 4 10 और 2 12, 1 5 और 6 और 6 12, यानी कि 122। अब यही चीज जो 172 बेस 8 में है, तो ये बेस 10 में कितनी रहेगी, ये 122 122, ठीक है। ऐसे ही 163 को भी हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे, तो 163 163। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, अगर आप डायरेक्ट जोड़ लेते देखो तो आपको आसान नहीं पड़ता, ये जो अभी हमने मेथड किया उसे बिल्कुल आसान पड़ता, 2 और 3 5 और ऐसे करके आप कर लेते माइनस, लेकिन ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जहां पे आपको लगे कि इस मेथड से काम चल रहा आप ये करिए, स्पीडली काम बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस मेथड से टाइम ज्यादा लगेगा तो आप ये मेथड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि गुणा और भाग है, वहां पे आपको ऐसे करना पड़ेगा तभी आपका समय बचेगा। तो 163 है, इसको हमें रखना है किसमें, डेसिमल में, ठीक है। इनको गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका 64, ये कितना आ गया 48, और ये कितना आ गया 3, तो 3 और 8 11 और 4 15, 1 7 और 4 11, यानी कितना आ गया हमारा 115 115। अब आप इस बेस को भूल सकते हो क्योंकि हम किस में लिया इसको, जो नॉर्मल हम मैथ करते हैं उसी में। अब आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दो, 5 और 2 7 2 और 1 3 1 और 1 2, आपका आ गया 237, ठीक है। पर ये है किस में, डेसिमल में, पर हमें चाहिए किस में था, ऑक्टल में। तो अब हम क्या करेंगे, 237 को किस में बदल देंगे, वापसी डेसिमल में बदल देंगे, ठीक है, वापसी इसमें ऑक्टल में बदल देंगे क्योंकि डेसिमल में आया है। अब डेसिमल से जब हम ऑक्टल बदलेंगे तो ये हमने तरीका किया ही था, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 8 2 16 7, ठीक है,
आठ नहीं में 72, ठीक है, 8 दूनी 16, कितने बच गए, 13 में से 6 गए, 7, 70 है ना, और फिर 8 नहीं में 72, 70, 8 नहीं में 72 कितना बच गया, 5, ऐसे ही 8 तिया 24 कितना बच गया, 5, 3 अब भाग होगा नहीं, तो हमारा क्या आ गया, 3 5 5, ये हमने वापसी किस में बदल दिया, ऑक्टल में, ठीक है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ते जो पहले हमने किया था तो उसमें आपका फायदा था, पर आपको ये आना चाहिए, उसका कारण ये है कि हम गुणा और भाग जो है वो हम इस तरीके से करेंगे, इसलिए, क्योंकि उसमें अगर हम पिछला मेथड यूज करेंगे तो हमारा समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा, अब चाहे माइनस हो प्लस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें मान लो कोई 2 ऑक्टल नंबर है उनको गुणा करना है, 172 13, मान लो ये है, ये है आपके ऑक्टल नंबर, अब आपको इनको गुणा करना है, तो आप सीधा क्या करिए, इसको लिखिए आप डेसिमल में, 172 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 172 1 8 और 64, 64 एकम 64, 8 7 56, 2 एकम 2, 6 2 8 और 4 12, 1 7 और 5 12, यानी हमारा कितना आ गया, 122, ठीक है, ये आ गया डेसिमल में। अब 13 को कैसे लिखेंगे डेसिमल में, 1 और 8, ठीक है, गुणा करेंगे तो 8 और यहाँ पे 3, 8 और 3 कितना आ गया, 11, यानी ये हो गया हमारा 11। अब इन दोनों को गुणा करेंगे हम जो हमारा नॉर्मल मैथ में करते हैं वैसे ही, क्योंकि अब डेसिमल है, तो 11 दुनी 22, 11 दुनी 22 और 2 24, 2 11 एकम 11 और 2 13, देखो 1342 आ गई इन दोनों की गुणा, लेकिन हमें चाहिए किस में थे, क्योंकि ये भी ऑक्टल है और ये भी ऑक्टल है, तो आपस में ऑक्टल की गुणा है, तो हमें ये जो रिजल्ट है ये किस में चाहिए, ऑक्टल में ही चाहिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑक्टल में बदल देंगे, जैसे 8 एकम 8, 5 8 में 8 56 नहीं जाएगा, 8 6 48, ठीक है, तो कितना बच गया आपका, 62, अब कितने पे जाएगा, 8 7 56, ठीक है, 56, तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बच गया 6, ऐसे ही 8 दूनी 16 और 0, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपका 7, फिर 8 दूनी 16 बच गए कितने, 4, तो हमारा क्या आ गया, 2 4 7 6 2 4 7 6, यानी इनकी गुणा क्या आ गई हमारी, 2 4 7 6, ठीक है, ये आ गई हमारी किस में, ऑक्टल में, किस में आ गई, ऑक्टल में, ठीक है। तो ऐसे ही हम भाग का भी कर सकते हैं कन्वर्ट करके, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 1A3, अब अगर हमें इसको भाग करना है 2 से, और हम कहते हैं कि ये भी हमारा कैसा है, हेक्साडेसिमल है, और ये भी कैसा है हमारा, हेक्साडेसिमल है, ठीक है, तो हम इसको भाग अब कैसे करें, या तो हमसे शेषफल पूछ सकता है, या फिर ये जो भाज्य है वो पूछ सकता है भी क्या आया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 को हम किस में बदलेंगे, हेक्साडेसिमल में, तो ये तो क्या रहेगा आपका, 2 ही रहेगा हेक्साडेसिमल में तो, लेकिन 1A3 इसको डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 16, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 256, इनको आपस में गुणा कर दो भाई, ठीक है, तो यहाँ से क्या आया आपका 256, यहाँ से कितना आएगा, 160, क्योंकि a क्या है, 10 के बराबर है, यहाँ से कितना आया, 3, तो 6 और 3 9, 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ से क्या आ गया, 419, यानी ये डेसिमल में किसके बराबर है, 419 के। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 दुनी 4, 0, यहाँ पे बच गया 1, 0 पे गए, 0 पे, ठीक है, ओके, यहाँ से क्या आ गया, 9, तो 2 नहीं में 18, ठीक है, कितना बच गया, 1, तो देखो ये है 209 और यहाँ पे है 1, ये रिमाइंडर हो गया आपका, और ये डिवाइड किया वो, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, ऑप्शन में हो सकता है आपसे ये पूछ रखा हो या ये पूछ रखा हो, लेकिन अब आपको जवाब ये नहीं देना, क्यों, क्योंकि ये तो है डेसिमल के हिसाब से, ये तो हमने किया डेसिमल के हिसाब से, आंसर तो हमें किस में चाहिए, हेक्साडेसिमल में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना पड़ेगा, 1 को तो हेक्साडेसिमल बदलेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 1 ही, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब 209 को अगर आप हेक्साडेसिमल में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 16 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं 209। अब 209 को आपको किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में। देखिए कैसे बदलेंगे, अब भाग करेंगे 16 से, क्यों, क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है और उसको अगर हम बेस से डिवाइड करेंगे तो वो उसी बेस में बदल जाएगा। तो 16 एकम 16, 4 16 तिया 48, एक बच गया। अब 13 भाग होगा नहीं, लेकिन 13 को हम क्या लिखते हैं, देखो 10 को हमने लिखा ए, 11 को लिखा बी, 12 को लिखा सी, 13 को क्या लिखेंगे डी, तो ये हो गया डी। अब हेक्साडेसिमल में ये हमारा क्या हो गया, D1, यानी कि जो हमारा डेसिमल में ये 209 है, ये अब हमारा हेक्साडेसिमल में क्या बन चुका है, D1। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, और ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, वहां पे D1 लिखा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो जहां पे आपको लगे कि सीधा जोड़ या घटा है, सीधा सीधा आप डायरेक्ट करिए, जो आपको पहले मेथड कराया था वो बहुत ही फास्ट है वहां पे, लेकिन जहां पे लगे कि ये गुणा भाग और ये होगा, तो वहां पे आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब इनको जोड़ने लगोगे घटा करने लगोगे, क्योंकि क्या होता है गुणा और भाग में बार बार हम करते कैसे हैं, वो तो हम करते हैं जोड़ व घटा की सहायता से ही करते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो वो फिर आपको दिक्कत आएगी बार बार, वो आपको देखना पड़ेगा कि बेस से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इतना सब करने की जरूरत है नहीं, उससे जल्दी तो ये हो जाएगा आपका। नंबर को सीधा डेसिमल में बदलो, जो हमारा नॉर्मल मैथ में हम करते हैं वो करो, जो भी आया है उसको वापसी उसी बेस में बदल दो जिससे भाई हम चले थे। ठीक है, तो इससे आपका सवाल हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा फिर वहां पे, D1। ठीक है, तो ये था आपका अर्थमेटिक के बारे में, ये था अर्थमेटिक के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन होती हैं, ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है नंबरों को दिखाने की। तो देखिए सबसे पहले एक होता है साइन बिट, ठीक है, साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, ये क्या चीज है भाई, ठीक है, साइन बिट रिप्रेजेंटेशन। साइन बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो हमने लिखा सिर्फ 101, हमने लिखा सिर्फ 101, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव, क्योंकि मैथ में देखो मैथ में हमने क्या लिख दिया 5, मतलब क्या मानते हैं हम, ये जमा का है, पॉजिटिव है ये। ठीक है, पर अगर हमें ये कहना हो कि नहीं जी ये तो माइनस का 5 है, तो हमें उसके आगे -5 लिखना पड़ता है, -5 लिखना पड़ता है। पर अब यही चीज हम बाइनरी में कैसे करेंगे भाई, क्योंकि देखो ये तो ठीक है 101 लिख दिया हमने, बाय डिफॉल्ट हमने प्लस का रख लिया, पर इसमें हम सिंबल यूज नहीं करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस ऐसे नहीं लिखेंगे इसको -101, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। यहां पे हमें क्या करना होगा, हम ये मान लेंगे कि जो भी हमारा बाइनरी नंबर है, कितना ही लंबा हो, जो भी हमारा बाइनरी नंबर है, इधर जो बिल्कुल लेफ्ट में है वो 0 हो या 1 हो, वो हम कन्वर्ट करने के लिए यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ हम सिंबल बताने के लिए यूज करेंगे, यानी 0 है तो भाई वो पॉजिटिव है और 1 है तो वो नेगेटिव है, 0 है तो पॉजिटिव है, 1 है तो नेगेटिव है, ये तो हम सिर्फ नंबर के बारे में, सिंबल साइन के बारे में बताएंगे, इसको बोलते हैं साइन बिट, जो बिल्कुल लेफ्ट में उसको क्या बोलेंगे, साइन बिट। अब देखो अगर आपसे बोला जाए कि भाई 101 जो है वो डेसिमल में क्या होगा, क्योंकि ये तो बाइनरी है ना, 101 है वो डेसिमल में क्या होगा, अगर साइन बिट रिप्रेजेंटेशन उपयोग नहीं करी गई है, नहीं करी गई है तो हमें सारी की सारी कन्वर्ट करनी है, तो हम देखो 1, 2, 4, अब देखेंगे तो क्या होगा, 4 और 1, 5 आएगा हमारा डेसिमल में। ठीक है, अब आपको कह दे कि जी 101 को डेसिमल में क्या लिखेंगे अगर हमने यहाँ पे साइन बिट रिप्रेजेंटेशन यूज करी है, साइन बिट यूज करी है तो इसका मतलब ये है भाई ये 1 तो हमें बता रहा है कि ये किसका है, नेगेटिव नंबर है ये। ठीक है, पर कन्वर्ट तो हम सिर्फ 0 और 1 को ही करेंगे, तो ये लिखेंगे ना यहाँ पे 1 और 2, तो देखो ये तो हो गया 0, यहाँ पे आ गया 1, देखो कितना अंतर आ गया, यानी -1। ठीक है, अब 101 था, अगर साइन बिट नहीं थी तो हमारा आ गया 5, और साइन बिट यूज करी तो ये एक तो होगी वेस्ट, क्योंकि ये तो क्या बता रही थी सिर्फ भाई ये घटा का है या जोड़ का है, तो ये माइनस है घटा का है, और 2 को ही हम कन्वर्ट कर पाए, तो
ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको कोई कह दे जी भाई 8 बिट का नंबर है पूरा, यानी उसमें 8 बिट है, अगर 8 बिट है तो अगर वो सारे पॉजिटिव हैं तो आपको आठों के आठों को ही कन्वर्ट करना है। अगर वो कहते हैं कि साइन बिट है तो पहली आप छोड़ देना, जो बाकी आप 7 बच गई उनको आप डेसिमल में बदल देना, और पहले जो 1 है उसके नाम का हम क्या लगा देंगे आगे, माइनस। ठीक है, तो ये होती है साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरिथमेटिक पूरा करना है आपको, जो मैंने आपको पूरा कराया उसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, और ये भी ध्यान रखना है कि भाई साइन बिट रिप्रेजेंटेशन होती क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं वन कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये क्या चीज है भाई, आपको क्या करना है, अगर आपसे कह दें कि भाई ये एक बाइनरी नंबर है, इसका आपको बताना है वन कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, तो आपको क्या करना है, जितने भी एक है उनको जीरो में, और जितने भी जीरो है उनको एक में बदल देंगे, जितने भी एक है उनको जीरो में और जितने भी जीरो है उनको एक में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे एक था जीरो लिख दो, जीरो था वन लिख दो, वन था जीरो लिख दो, और वन था जीरो लिख दो, तो ये आ गया आपका क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आपका क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है, जहां भी वन दिखे वहां जीरो कर दो, जहां जीरो दिखे वहां पे वन कर दो। अब ये जी टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ये होता है जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट है उसमें आप एक जोड़ दो, वो हो जाएगा आपका क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको कोई कहे जी इसी नंबर का आपको क्या निकालना है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां एक है वहां वहां जीरो लिख देंगे, जहां जीरो है वहां एक, और जहां एक है वहां पे जीरो। अब इसमें कितना जोड़ना है, सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ एक, तो जीरो और एक, एक एक जीरो जीरो, तो हमारा क्या जाएगा, जीरो जीरो वन वन, ये आ गया हमारा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वंस हो गया और टूज हो गया, आसान है बहुत ही, आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो ये आपकी होगी रिप्रेजेंटेशन, हो गई आपका क्या हो गया यहाँ पे, पूरा अर्थमेटिक हो गया, और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, कि आपसे ये पूछ सकते हैं किसके बारे में, रेंज, एक आपसे पूछ सकते हैं रेंज, एक आपसे पूछ सकते हैं मिनिमम वैल्यू या मिनिमम नंबर, और एक आपसे पूछ सकते हैं अधिकतम मैक्सिमम क्या नंबर हो सकता है, और आपको दिया क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बिट्स, आपको दिया क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बिट्स। देखो अब सवाल क्या पूछेंगे, सीधा सीधा आपसे बोलेंगे कि हमारे पास 3 बिट है सिर्फ। ठीक है, 3 बिट का हम नंबर यूज करेंगे, 3 बिट ही हम यूज कर सकते हैं, तो इन 3 बिट से क्या हमारी रेंज रहेगी, क्या हमारी मिनिमम वैल्यू रहेगी, क्या हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और एक पूछ लेते हैं टोटल नंबर्स कितने निरूपित कर सकते हैं, कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से आपका पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, जितनी भी बिट दी गई हो आपको 2 की पावर में वो लिख देनी है। जैसे 3 बिट दी है तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, तो ये आ गया आपका टोटल। अब आपसे पूछें कि 3 बिट दी हुई है तो कितनी वैल्यू हम उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कितनी कर सकते हैं, टोटल 8, 2 की पावर में आप बिट यहां पे लिख देना। ठीक है, अब कहे कि रेंज, भाई रेंज क्या, मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा, तो मिनिमम क्या होगा आपका, 0 से स्टार्ट करना आपको, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक। 8 यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक 0 भी है, टोटल हमें कितने रखने हैं, 8 ही रखने हैं, तो 0 से हो गए 7। एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपसे बोला जाए कि 5 बिट है हमारे पास, 5 बिट है हमारे पास, तो हम कितने टोटल, टोटल कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने नंबर लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। टोटल हम 32 नंबर इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 32 वैल्यू हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेंज पूछे तो
जीरो से 31 एक कम, ठीक है, जीरो से 31, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, जीरो से 31। अब आपसे कहा जाए कि भाई आपके पास जो है वो है 8 बिट, ठीक है, आपके पास क्या है 8 बिट। अब 8 बिट से आप टोटल कितनी संख्याएं निरूपित कर सकते हो, कितनी वैल्यूज लिख सकते हो, तो 2 की पावर 8 कितने हो गए, 256, ठीक है, 256। और रेंज क्या रहेगी, 0 से 255, ठीक है, हो जाएगा ये। अब आपको कितनी भी बिट दे दे, आपको क्या करना है, 2 की पावर में ऊपर आपको बिट लिखना है, फिर आप उसको सोल्व करके लिख दीजिएगा, तो इससे आप बता पाओगे कि क्या रेंज है, कितना मिनिमम नंबर है और क्या उसमें अधिकतम संख्या हो सकती है, क्या अधिकतम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बाइनरी, ऑक्टल और ये सारे इनके जो भी अर्थमेटिक हैं उनके सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे वो, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया उसके बारे में, या रिप्रेजेंटेशन है तो उसके बारे में, रेंज है, ये वैल्यूज है जो भी है इनके बारे में, यहां से आपके ये सारे हो जाएंगे अर्थमेटिक के जो भी सवाल है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।